माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, विधायकगण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्णिया से आए हुए तस्लीम साहब के सच्चे सिपाही, हमारे पिताजी के दूसरा फेल हुआ करता था किशनगंज, किशनगंज से पहुंचे हुए एक एक भाइयों एवं सीमांचल के कोने से आए हुए तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आदाब करता हूँ, सर झुका के नमन करता हूँ। इस खंड में भी मैं आपने तस्लीम साहब के प्रति, तस्लीम साहब के परिवार के प्रति आस्था दिखाई है, उसको तस्लीम परिवार सलाम करता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में हमारे पिताजी जनाब तस्लीम साहब को अररिया में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु पिछले एक साल में उनकी सेहत, उनकी तबियत उनकी साथ नहीं देती थी। वो अपने आप से सवाल पूछते थे, अपने हृदय से सवाल पूछते थे, मेरे बाप मेरे अररिया का क्या होगा, मेरे सीमांचल का क्या होगा। जब बाढ़ से प्रभावित हुआ सीमांचल था, उनके डॉक्टर उनको कहीं घर से निकलने की सलाह नहीं दे रहे थे। जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने फारबिसगंज का दौरा किया, रानीगंज का दौरा किया, फिर एक पार्लियामेंट की मीटिंग के चलते उनको चेन्नई जाना पड़ा। होटल में डॉक्टरों ने उनको सलाह दी कि आप तुरंत घर वापिस चले जाए। उन्होंने बोला नहीं, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। दर्द उनका बढ़ता गया और अपोलो हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा। अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद चार दिन जब वो बेहोशी के आलम से उठे तो देखा, पूछा कि हम कहाँ हैं। लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा चेन्नई के अस्पताल में है। फिर उन्होंने आवाज लगाई, सरफराज कहाँ है। उन्होंने सरफराज भाई की तरफ देखा, बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सीमांचल को तुम्हारी जरूरत है, अररिया को जरूरत है तुम्हारी, तुम वापस लौट जाओ। तस्लीम साहब किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, एक शख्सियत का नाम था तस्लीम, एक सोच की नाम थी तस्लीम। तस्लीम साहब ने अपने विकास कार्यों के लिए कभी शासन और प्रशासन को आगे आने नहीं दिया। उन्होंने वक्त को अपने मुट्ठी में लिया और आगे बढ़ते गए, काम करते गए। तो अगर उन्हें विकास के लिए किसी का हाथ जोड़ना पड़ा तो हाथ जोड़ा है, वही हाथ को तोड़ना पड़ा तो उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। उन्होंने हमें बोलना सिखाया है, अपना हक लेना सिखाया है, किसी का के मोहताज रहना नहीं सिखाया है। और मैं सरफराज भाई को अंत में धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों ने उत्तराधिकारी साबित किया। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप सिर्फ तस्लीम साहब के बेटे नहीं है, आप सीमांचल गांधी के बेटे नहीं है, अब आपको सीमांचल का बेटा बनना होगा, सीमांचल का भाई बनना होगा, आगे बढ़ जाने होगी, कुर्बानी देना होगा। इस मंच पे मेरे पिता तुल्य चाचा जनाब एनी साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा अपने बेटे को माला पहना करके सीमांचल के लिए समर्पित कर दो। आग्रह करूंगा, चाचा उठे और माला पहनाए। बुजुर्गों, दोस्तों, अभी शहनवाज आलम साहब के प्रस्ताव पर उनके चाचा ने माला पहनाया और अब पूरे सीमांचल की ओर से ये ताज एक बार फिर गार्जियन उनके सर पर दे रहे हैं। आगे से हट जाए, आगे से आगे ये सामने में मंत्री महोदय के हाथों, गुलाम रसूल बलियारी साहब के हाथों, महमूद अशरफ साहब के हाथों, मास्टर मुजाहिद साहब के हाथों, अनिल यादव के हाथों, सरोज भारती के दस्त मुबारक और उनके जो चाचा हैं
उनके सामने शाहिद रजा साहब, ये तमाम लोग, विनोद राय जी, ये सभी लोग उनके सामने ये देख रहे हैं, पगड़ी पहनाई जा रही है, यानी ताज पहनाया जा रहा है। हम लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से। बल्कि हो सके तो जितने भी युवा साथी अपनी जगह पर खड़े होकर एहतराम करें, इसलिए कि सीमांचल गांधी एक बार आगे आ जाए, मीडिया पूरी तस्वीर लेना, ताकि मंत्री महोदय जरा सामने आ जाए। ये देखिए मंत्री महोदय बिहार सरकार की ओर से साल लगाकर सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, वैसे तो सरसराज भाई उत्तराधिकारी मनोनीत हुए हैं, लेकिन तमाम तस्लीम साहब के कार्यकर्ताओं के उत्तराधिकारी है। अगर आप तस्लीम साहब के कार्यशैली को, उनके जीवन के तौर तरीकों को अपना लीजिएगा, जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी शब्दों के साथ अपने मन को मैं विराम देता हूँ, पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तस्लीम।